तो अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये है ड्राइंग रूम और ये रात को झालर दिखा था ना, झालर जल रहा था, ये झालर पूरा महाराजा जैसा फील आता है थोड़ा यहाँ पे। और काफ़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं कश्मीर की, बहुत सुंदर फील आता है यहाँ। यहाँ बैठे हुए मज़ा आता है क्योंकि हवा बाहर से आती है बहुत सुंदर, लेक से हवा आती है तो काफ़ी ठंडी हवा रहती है हमेशा। तो बहुत अभी थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने, अब हम निकल रहे हैं मेन मार्केट और जो गार्डन्स हैं चार पाँच मुगल गार्डन्स भी, वो देखने जा रहे हैं हम लोग। तो निकलते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं गार्डन। और डल लेक पे तो बहुत भीड़ होती है लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है, तो आप आराम से बैठ सकते हो शांति में सनसेट के टाइम पे। यहाँ पे बहुत मतलब बादल की परछाई आ रही है, शेडो बन रही है नीचे पानी के अंदर। अभी तो हम लोग आगे गार्डन में जा रहे हैं, शायद आते वक्त रुके यहाँ पे। शालीमार गार्डन का बोर्ड आता है उसके बाद क्या कहते हैं वही पार्किंग है, वहीं से पार्किंग लगानी है, उसके बाद ही सारे गार्डन मिलेंगे आपको, सारे मुगल गार्डन बाकी जितने गार्डन हैं। तो आपको शालीमार गार्डन से पहले ही एक पार्किंग एक मतलब कटेगा, तो वहाँ पार्किंग है, वहाँ पार्किंग लगा देना, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा सब गार्डन के अंदर। मुगल गार्डन की टिकट है यह, मुगल गार्डन की एंट्री। सामने डल लेक है और गार्डन पूरी ऑरेंज रंग की हो चुकी है। सनराइज में इतना सुंदर नहीं होता जितना ये शाम को डल लेक दिखती है। और यहाँ से ऊपर और जा सकता हो, गार्डन है ऊपर जा ऊपर भी, लेकिन ऊपर जाके फिर घर वर बने हुए थोड़े से, हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं गए, एक दो फ्लोर और ऊपर जा सकते हो आप यहाँ। और यहाँ मतलब रिलैक्स करने आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह, गार्डन बने हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। ये देखिए वो बड़े बड़े पहाड़ हैं और नीचे ये पूरा गार्डन है, पीछे सनसेट हो रहा है, लेक है पूरी। तो मुगल गार्डन बहुत शानदार है, यहाँ एक दो गार्डन नहीं बहुत सारे गार्डन थे। अभी मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि यार मेन प्रॉब्लम ये थी कि क्या कहते हैं नेट नहीं है, तो इंटरनेट की वजह से नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और लोगों से पूछ नहीं पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलते हैं यहाँ से, स्ट्रीट फालूदा। यहाँ की डबल डेकर बस है, ये आपको पूरा डल लेक के चारों तरफ घुमाती है। पार्किंग और जो ये गार्डन है उसके आपको बहुत ज़्यादा स्टॉल मिल जाएंगे खाने को। आज स्ट्राइक है वैसे, मतलब श्रीनगर बंद है, लेकिन ये एरिया पूरा खुला रहता है हमेशा।
आके स्ट्रीट डॉग्स मोटे तड़े हैं काफी। तो ये हमारी सेकंड लास्ट सवारी थी शिकारा की। हम लोग आ चुके हैं अपने घर रात को और कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन श्रीनगर के अंदर जो है ना एरिया डल लेक वाला, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो बाइक मतलब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो इतना एंजॉय भी नहीं होता। संडे भी था। हम श्रीनगर में कुछ ऐसी ऑफ बीट प्लेसेस भी थी जो नहीं जा पाए। पिछले 4 दिन से इंटरनेट बंद है यहाँ पे, तो इंटरनेट बंद होने की वजह से मैं चेक नहीं कर पा रहा कि कौन सी ऑफ बीट प्लेसेस हैं आसपास, है ना, तो इन्फॉर्मेशन कम मिल पा रही थोड़ी सी। जो गार्डन बने थे, गार्डन काफ़ी सुंदर थे, लेकिन संडे को काफ़ी भीड़ थी, लेकिन वहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो आप जा सकते हो ज़रूर, मतलब एक बार जा सकते हो। यहाँ आओ तो सनसेट ज़रूर बिताओ एक बार, सनसेट ज़रूरी है। डल लेक सनसेट पर इतनी सुंदर हो जाती है ना, और पीछे पहाड़ जो माउंटेन्स हैं, तो कल शायद उन माउंटेन्स में जा रहे हैं हम लोग, तो सोनमर्ग जाने की कोशिश करेंगे कल। सूरज सुबह हुई है यहाँ पे और हल्की सी ठंडक है, और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और सोनमर्ग की तरफ, तो काफ़ी ठंडक बढ़ जाएगी और, तो निकलते हैं। तो आज का ये लास्ट बार शिकारा राइड है, और फिर हम और अभी हम लोग उस अभी उस पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं हम लोग सोनमर्ग। तो बस ये डल लेक को हम अब अलविदा करते हैं। ये शोएब भैया है हमारे, इनकी हाउस बोट है, क्या नाम सर? हाउस बोट ड्यूकवेल, ड्यूकवेल के नाम से। गेट नंबर सेवन ड्यूकवेल पे इनकी हाउस बोट है, और इन्होंने बहुत खातिरदारी करी हमारी। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। आप इनका डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूंगा, तो इनसे आप प्लीज कॉन्टेक्ट करें। वेलकम। थैंक यू सर। चलो सर, मिलते हैं। साथ निकल रहे हैं सोनमर्ग के लिए, और यहाँ पे अगर आप आओ श्रीनगर, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो हाउस बोट का ही है। बाकी तो और भी चीज़ें घूमने के लिए, लेकिन हाउस बोट एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको।